हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। सहारा श्री मेरे जीवन में कर्म क्षेत्र के पिता के रूप में हमेशा स्थापित रहेंगे। इतना सुंदर व्यक्तित्व, इतना सुंदर व्यक्ति, और उनके अंदर एक हमेशा बच्चा जिंदा था। उन्होंने कभी किसी तनाव को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। इतने मजबूत व्यक्ति थे कि उनके आंखों में आंसू, चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति रही हो, किसी ने नहीं देखा होगा। सहारा श्री का व्यक्तित्व एक बहुत ही सुंदर, भाव कोमल, वह एक सच्चे नायक थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन नायक की तरह जिया। वो ऐसे शूरवीर थे जिन्होंने कभी पीठ नहीं दिखाई। व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन में सहारा श्री का योगदान ऐसे है, मैं सहारा इंडिया परिवार में लंबे वक्त तक जुड़ा रहा और आज भी मैं अपने को कभी सहारा इंडिया परिवार से अलग करके नहीं देखता हूं। 2006 में मैं सहारा श्री के सीधे संपर्क में आया था, मई 2006 24 मई 2006। तब से लेके आज तक शायद ही कोई ऐसा दिन सप्ताह बीता होगा मेरी उनसे बात न हुई होगी, और मुझे बहुत कम उम्र में जिम्मेदारी दी। वो मेरे लिए बड़ा भावुक क्षण था और आज भी जो ये क्षण मेरे जीवन में आया है बहुत ही भावुक करने वाला है। इतनी स्मृतियां आंखों के सामने उनकी तैर रही हैं। मुझे अभी भी वो दिन याद है कि सहारा श्री 4-5 घंटे मेरे साथ बैठे रह गए और उनको मेरे से बातचीत में इतना आनंद आया, इतना रश आया, इतना खुश हुए कि उसी वक्त उन्होंने कहा था कि तू वापस आ जा। मेरी 1-to-1 मुलाकात उनसे 10 तारीख को 11 से लेकर 12 बजे के बीच हुई। करीब 45 मिनट मैं उनके साथ बैठा रहा और मेरे लिए वो बड़ा भावुक पल मेरे आंख के सामने तैर रहा है कि मुझे वो मौका मिला कि उनका हाथ अपने हाथ में लेके बैठा रहा और उन्होंने मुझे खूब आशीर्वाद दिया। फोन किया माननीय ओपी साहब को, उनका भी मेरे जीवन में गार्जियन जैसा रोल रहा है, और उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि, और वो फूट फूट के रोने लगे, मैं भी रोने लगा उनके साथ कि उपेंद्र सब समाप्त हो गया। मैं बता नहीं सकता कितनी यादें मेरी, सब समाप्त हो गया।